और आप क्यों भूल रहे हो? ये डॉक्टर मैसूरी का नंबर आप ही ने दिया था, आप ही की प्लानिंग थी। रे, 3 घंटे से ऊपर हो गए, आपने कुछ को नहीं खाया। आपको डायबिटीज है, आपको डॉक्टर ने कहीं बोला है? हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। मम्मी, लगता है पापा ने अन्न, पानी और वाणी तीनों त्याग दिए। पापा प्लीज खाना खा लीजिए। पापा जी प्लीज कुछ तो खा लीजिए। हाँ दादू, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, प्लीज। हाँ दादू। दादू एक कल बोला, जब तक आप खाना और पानी नहीं पिएंगे ना, तब तक मैं भी खाना और पानी नहीं पीऊंगा। देखो छोरे का मुंह कर छोटा सा हो गया। आप खाना खा लीजिए। मैरी? मैरी? आराम से बेटा। मैरी तू बोल सके? जी। सुन भी सके? जी। टीटू दलजीत देखा, अपना अपना मैरी जो है वो बोल सुन सके। जय खाटू श्याम जी की, आपका गणा गणा आभार। चला ठीक हो गया हमारा, अब तो आप खाना खा लो। हाँ, अब तो मैं डट के खाऊंगा। रुकिए, आप सब लोग यही चाहते थे ना कि मैं घर छोड़ के कभी जाऊं नहीं। मैंने आप सबकी बात मान ली। अरे मैं यही रहूंगा आप सबके साथ। सच मेरी? थैंक यू। चलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ मैं लेकर चलती हूँ। चमत्कार हो गया भाई यार, तो यो सब हुआ कैसे? हुआ ये पापा, तेरे पापा की जगह ना कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अगर आपने सोच लिया ना तो मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है कि मैं ना इनका और इनकी फैमिली का ना टेस्ट लूंगा कि ये लोग आपके लायक है या नहीं, ये लोग आपका हैप्पी रख पाएंगे या नहीं। मम्मी अगर तो ये लोग टेस्ट में पास हो गए ना तो मैं आपकी बात मान लूंगा, पर अगर ये फेल हो गए ना तो आप ना इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मंजूर है? मतलब वेरी मंजूर है, वही मंजूर है। अरे चलो चलो, जो भी हुआ सो हुआ। अरे अब तो एक दूसरे का मुंह मीठा करवाओ भाई, खुशी का मौका है। अब एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। अरे बोल भाई, कहीं लिखा है इसमें? पापा इसमें लिखा है कि बैंक ना अपना स्टाफ कम कर रहा है और उन्हें अब मेरी सर्विस की जरूरत नहीं। जी मतलब थारे को नौकरी से ही निकाल दिया? जी पापा। अरे पर ऐसे कैसे निकाल सके भाई, इतने साल दिए तूने बैंक को फिर भी निकाल दिया? जी पापा। मतलब थारी सेवा का कोई मोल को नहीं? जी पापा। अरे जी पापा की रट लगा के रखी है। अच्छा थारी नौकरी चली गई है? जी पापा जी पापा। अरे अब कहीं करेगा, घर कैसे चलाएगा? नीटू की तो दुकान जैसे चले वैसे ना चले। अरे तो शांत रहो ना, छोरा पहले से टेंशन में है, नौकरी चली गई बेचारे की, आप ऊपर से और टेंशन दे दो घर चलाने की। आपकी पेंशन आए ना? अरे पेंशन से घर को नहीं चले महंगी औरत। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं करूंगा ना दूसरी नौकरी कर लूंगा, इसमें क्या हो गया? दूसरी नौकरी? इस उम्र में कौन देगा थारे को दूसरी नौकरी? बात करे फालतूरी। मिस्टर बंसल अब तो आपकी नौकरी भी चली गई है, इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब ऐसे में मैं आपकी शादी मेरी मम्मी से कैसे होने दे सकता हूँ? आप सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे? क्या अब आप मेरी मम्मी के पैसों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे? क्यों भाई क्यों, क्यों? कैसे डिपेंड हो जाऊंगा? नहीं डिपेंड नहीं होऊंगा। बैरी पता है क्या बदतमीजी है ये? हैं जी ऐसी बात है ना बोल। और वैसे भी बैरी अगर एक कपल जो वर्किंग है उस पे हस्बैंड कमाए या वाइफ एक ही गल है, और वैसे भी बैरी अगर दोनों में किसी एक की नौकरी चली जाती है तो अगर घर दूसरे के पैसे से चलता है तो चूके इट्स ओके बैरी, उसे डिपेंडेंट होना नहीं बोलते। नहीं मम्मा, मेरे लिए ना जानना बहुत जरूरी है कि इस सिचुएशन को ना कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि मम्मा जिस इंसान के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है वो आपका ख्याल कैसे रखेगा? एंड मिस्टर बंसल,
इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए कि आपके पास कोई प्लान भी रेडी है? बैरी, प्लान बी? प्लान बी? हाँ, प्लान बी, क्योंकि मेरे पापा के पास ना हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक प्लान बी हमेशा रेडी रहता था। क्या हुआ यारा, इतनी टेंशन में क्यों है? सर, आपका लगेज मिसप्लेस हो गया है। लगेज मिसप्लेस हो गया? अब एयरलाइन पूरी कोशिश कर रही है लगेज को ट्रेस करने के लिए, बट वाओ, मेरे एक लगेज को ट्रेस करने के लिए पूरी एयरलाइन लगी हुई है। वाओ, दैट्स सो कूल मैन। सर, आपका लगेज मिसप्लेस हो गया और आप हंस रहे हैं। भाई, मेरे दुखी होने से लगेज मिल जाएगा क्या? इससे अच्छा है कि हंस के जिंदगी जियो। सर, आपको कोई टेंशन नहीं हो रही? आप टेंशन का नो मेंशन, मेरे पास हमेशा प्लान बी होता है। वो ना किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते विद प्लान बी, बट जितना मुझे दिख रहा है आपके पास तो कोई दूसरा प्लान है ही नहीं। इसका मतलब आप टेस्ट के फर्स्ट ही पड़ाव में फेल हो गए। टेस्ट? हाँ, टेस्ट। ये लेटर मैंने भेजा था। ये देखने के लिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। बड़ी फेल तो नहीं हुआ मैं, मतलब भगवान ना करे अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है ना तो 5-6 हजार तो मैं ऐसे कमा लूं दिन का। क्या, 5-6 हजार? अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कर दी। हम लोग ने काम करते हैं, आप ना मुझे एक दिन में 6 हजार रुपए कमा के दिखाइए, मैं मान जाऊंगा, एंड वो भी बिना किसी चीटिंग के एंड बिना किसी की हेल्प लिए। अगर आपने रात के 8 बजे तक 6 हजार रुपए कमा लिए तो आप टेस्ट में पास हो जाएंगे, बट अगर आप नहीं कमा पाए ना तो मैं, मम्मा और ट्विंकल ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और आप हमें रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बोलिए, मंजूर? राजीव जी, मंजूर है। अरे क्या बात होगी, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? हेलो जी राजीव जी, तुझसे बिना कमाल ही करते हो, मतलब हम लोग आपको घूरे नहीं तो और क्या करें? आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या करता, टेस्ट में फेल हो जाता। फेल तो आप ऐसे भी होंगे पापा, रात 8 बजे से पहले 6 हजार रुपए कैसे कमाएंगे आप? कमाएंगे ना, कुछ लगाएंगे तरकीब, कमाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।